नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि छिपकली को भगाने के असरदार और घरेलू तरीके और उपाय क्या क्या हैं। दोस्तों, वैसे तो घर में छिपकली होने से कई सारे कीड़े मकोड़े, झिंगूर, कॉकरोच, कीट पतंगे आदि नहीं रहते हैं, क्योंकि छिपकली इन कीड़े मकोड़ों को खाकर इनका सफाया कर देती है। लेकिन फिर भी कई लोगों को इनसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। जी हाँ, यह बात तो सच है कि छिपकली के घर में रहने से कोई हानि नहीं होती है, लेकिन यह दिखने में काफ़ी भयानक लगती है। ज़्यादातर लोग छिपकली को घर से बाहर भगाना चाहते हैं। छिपकली के घर में होने से यह खतरा तो होता ही है कि अगर वह गलती से खाने में गिर जाए और मर जाए, तो वही खाना कोई व्यक्ति अगर खा ले तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है और व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम छिपकली को घर से भगाने के उपाय और तरीके, घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो बाज़ार में आपको छिपकली घर से बाहर भगाने वाले कई सारे स्प्रे मिल जाएंगे, लेकिन इन केमिकल से भरे उत्पादों के इस्तेमाल से बच्चों और घर के पालतू जानवरों पर बुरा असर पड़ने लगता है। ऐसे में छिपकली को कैसे भगाएं, तो इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस किस तरह से, किस किस घरेलू नुस्खों से आप छिपकली को भगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं पहले तरीके की, जो कि है प्याज का इस्तेमाल। दोस्तों, प्याज के स्लाइस काट कर उसे धागे से बांधकर बल्ब के पास आपको लटका देना है, जिससे उन जगहों पर आने वाली छिपकली प्याज की महक से भाग जाती है। प्याज में सल्फर होता है, इससे आने वाली स्मेल को छिपकली बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह वहाँ से दूर भागने लगती है। बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है लहसुन का। दोस्तों, एक बोतल में प्याज, एक स्प्रे बोतल में आपको प्याज का रस और पानी भर लेना है, फिर इसमें आपको लहसुन का रस भी मिला देना है। अब इसे घर के उन जगहों और कोनों पर आपको छिड़क देना है जहां पर आपको छिपकलियां ज़्यादा परेशान करती है, ज़्यादा उनका आना जाना लगा रहता है। इससे उन जगहों पर छिपकलियां आने से भी कतराने लगेगी। आप चाहे तो उन जगहों पर लहसुन की कली भी रख सकते हैं, इससे भी छिपकली भागने लगेगी। बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल। दोस्तों, तंबाकू पाउडर के साथ कॉफ़ी पाउडर को आपको मिक्स कर लेना है, फिर इसकी छोटी छोटी आपको गोलियां बनाकर उस स्थान पर रखना है जहां पर छिपकलियां ज़्यादा आती है। इस मिश्रण को अगर छिपकली ने अगर खा लिया तो उसकी तो मौत हो जाएगी या फिर वह घर से भाग जाएगी। यह छिपकली को मारने का और भगाने का सबसे कारगर उपाय माना जाता है। बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है अंडे के छिलके का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, अंडे के छिलके में कोई खास दुर्गंध नहीं होती है जो छिपकली को दूर भगा सके, लेकिन छिपकली मानसिक रूप से अंडे के छिलके को देखकर सोचने लगती है कि यहाँ पर कोई बड़ा जीव आ गया है और वह उससे दूर जाने लगती है। तो दोस्तों, अंडे के छिलके हर 3 से 4 हफ्ते के अंदर बदलते आप रहे, जिससे आपकी छिपकली आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा और वह दूर ही भागती रहेगी। अगला नुस्खा है मोरपंख। दोस्तों, घर में मोरपंख लगाने से छिपकलियां घर से बाहर निकल जाती है। दरअसल दोस्तों, मोरपंख को देखकर छिपकलियों को भ्रम पैदा हो जाता है कि यह कोई सांप ये है जो कि उन्हें निगल जाएगा, इसलिए वह मोरपंख को देखकर घर से तुरंत भाग जाती है। मोरपंख को आप गुलदस्ते में भी रख सकते हैं, इससे घर में आने वाली छिपकली बाहर भागने लगेगी। मोरपंख पुराने ज़माने से ही छिपकलियों को भगाने के लिए एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। बात करते हैं अगले नुस्खे की, जो कि है नेफ्थलीन की गोलियां। दोस्तों, नेफ्थलीन की गोलियां अच्छी कीटनाशक होती हैं, जिसे वाश बेसिन, वार्डरोब आदि पर रखा जाता है। इससे आने वाली महक छिपकलियों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए इन गोलियों को उन जगहों पर रखें जहां पर छिपकलियां आती है। इसकी खुशबू को छिपकली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह तुरंत वहाँ से भाग जाएगी। बात करते हैं अगले नुस्खे की, जो कि बर्फ़ वाला ठंडा पानी। दोस्तों, बर्फ़ वाले ठंडे पानी से छिपकली पर स्प्रे करने से छिपकली को ठंड लगने लगती है और वह वहाँ से भाग जाती है। इस उपाय को कई दिनों तक करते रहें, इससे छिपकली घर छोड़कर चली जाएगी। पानी फेंकने के बाद अगर आप छिपकली नीचे गिर जाती है तो उसे आपको डस्टबिन में डालकर बाहर फेंक देना है। बात करते हैं अगले नुस्खे की, जो कि है काली मिर्च का स्प्रे।
दोस्तों आपको पानी में काली मिर्च का पाउडर मिला देना है, यह कीटनाशक की तरह काम करता है। इसे आप अपनी रसोई, बाथरूम, कमरों आदि में छिड़काव कर सकते हैं और उन उन जगहों पर छिड़काव कर सकते हैं जहाँ पर छिपकलियों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों काली मिर्च से तीखी गंध निकलती है जिससे कि छिपकलियाँ दूर भागने लगती है और आपके घर से छिपकलियाँ ऐसे भागेगी जैसे कि कभी यहाँ आई ना हो और आगे आने से भी कतराएंगी। तो दोस्तों ये थे वह घरेलू नुस्खे जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए अपने घर से छिपकलियों को आसानी से भगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए इसी प्रकार की न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।